पीसेस एक्सेल की क्लास कर रहे हैं। अभी तक हमने आपके साथ कुल 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। 3 चैप्टर मिलाकर के लगभग 10 से 11 लेक्चर हमने आपके साथ शेयर किए हैं। पहले लेक्चर में हमारा राजनीतिक और संवैधानिक परिचय था, जो पहला चैप्टर हमारा था। दूसरे चैप्टर में हमारे प्रमुख स्थल से, तीसरे चैप्टर हमारा जो था वो कला संस्कृति से रिलेटेड था। आज हमारा जो है सेगमेंट वो चैप्टर 4 है। आज का हमारा सेगमेंट है चैप्टर 4, और चैप्टर 4 का आज हम पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर 4 का हमारा जो सेगमेंट है, जो उसका टॉपिक है, वो है प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन स्थल या पर्यटक स्थल। ऐतिहासिक का मतलब है यह है कि इसमें हम उन स्थलों की बात करेंगे जो ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध हैं, जिनका यूनेस्को में धरोहर के रूप में जो शामिल किए गए हैं, उनका कुछ ऐतिहासिक महत्व है, किस स्थान पे वो हैं, क्या ऐतिहासिक महत्व है, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे आज के इस क्लास में क्वेश्चन के माध्यम से। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि हम इस क्वेश्चन के माध्यम से जो भी सेगमेंट कंप्लीट करते हैं, उन सेगमेंटों का पूरा एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करते हैं, और वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो भूमि आईएएस के नाम से, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। बाकी जितने पुराने लेक्चर्स हैं या और भी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जाकर के देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भूमि आईएएस के नाम से है। सारा इंफॉर्मेशन का जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। हमारी ऑफलाइन क्लासेस संचालित हैं नेक्स्ट ईयर के बैच के लिए, तो आप चाहें तो आकर के नीचे दिए गए माध्यमों से आप हमें कनेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेश न्यू बैच है बिल्कुल आपके लिए, हमने संचालित किया है, आप उसको क्लास ज्वाइन करिए, अपनी परीक्षा को आगे, एग्जाम को आगे ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सेगमेंट। हमारा पहला सेगमेंट है उत्तर प्रदेश का प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन स्थल, चैप्टर 4 का पहला सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपका है 1972, 1974, 1972, 1977, 1976। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सन 1974 यानी कि 1974 में की गई थी। और पर्यटन को लेकर के हमने बहुत ढेर सारे काम किए, पर्यटन को लेकर के दिवस हमने स्टार्ट किया, उद्योग का दर्जा दिया, इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एनालिसिस भी उसी तरीके से तैयार किया है कि आपको पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सकें, आपको सिखा सकें। चलिए देखते हैं इसको। पर्यटन विकास निगम की स्थापना जैसे कि क्वेश्चन में था, हमने आपको बताया कि 1974 में की गई। राज्य पर्यटन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य पर्यटन दिवस 2016 से शुरू कब मनाया जाता है, 14 फरवरी को। तो आपके पास दो इंफॉर्मेशन है, पहला कि राज्य पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन है 14 फरवरी। दूसरा क्वेश्चन यह है कि राज्य पर्यटन दिवस का शुभारंभ किस वर्ष से किया गया, तो वो है आपका 2016 से। सन 2016 से प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को राज्य पर्यटन दिवस मनाया जाता है, और 14 फरवरी आपको बताने की जरूरत हमें नहीं है कि किस लिए और फेमस है। राज्य में 1998 में घोषित प्रथम पर्यटन नीति में पर्यटन के विकास हेतु कुल कितने पर्यटक स्थल को या कुछ कितने पर्यटन स्थल को शामिल किया गया था, तो उसका जवाब है 7। तो आप देख रहे होंगे कि इस चार्ट के माध्यम से हम पर्यटन से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपसे शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन यह है कि पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई, 1974 में। दूसरा क्वेश्चन ये था है राज्य पर्यटन दिवस की शुरुआत कब से हुई, तो 2016 से राज्य पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो 14 फरवरी को। तीसरा क्वेश्चन है कि राज्य में, यहां राज्य हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो बार बार उत्तर प्रदेश नहीं बोलेंगे, अंडरस्टूड है। राज्य में प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई, तो आपका आंसर है 1999
में 1998 में राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा की गई। और प्रथम पर्यटन नीति जो 1998 में घोषित की गई उसमें कुल कितने स्थलों को पर्यटन के विकास के लिए चुना गया, तो उसका आंसर आपका 7 स्थलों को पर्यटन विकास के लिए चुना गया उस नीति में जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पहली पर्यटन नीति थी और जो 1998 में बनाई गई या जारी की गई। अगला क्वेश्चन यह है, राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा, ध्यान रखिएगा राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 1998 में। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिया गया है और यह उद्योग का दर्जा उसको प्रथम पर्यटन नीति जो कि 1998 में पास की गई थी उसी के समय दिया गया था। तो इसका आंसर है 1998। 2016 में घोषित नई पर्यटन नीति में पर्यटन के विकास हेतु चिन्हित किए गए परिपथ की संख्या कितनी है, तो देखिए परिपथ वो होता है जो जैसे आप मान लीजिए कि एक गलियारा, कि इस गलियारे में जैसे मान लीजिए आप सुनते हो ना गली नंबर एक, गली नंबर एग्जांपल समझिएगा गली नंबर दो, तो इस गली में एक साइज के मकान, इस गली में एक साइज के मकान, उसी तरह पर्यटन के विकास को लेकर के कुछ प्रमुख चिन्हित पर्यटक स्थलों में कुछ चिन्हित स्थलों को उसमें आने वाले ऐतिहासिक या सांस्कृतिक धरोहर स्थलों का विकास करने के लिए एक परिपथ का निर्माण किया गया है। उसी परिपथ के तहत उन सेक्टर्स में उन परिपथ में आने वाले सभी स्थलों का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सरकार की तरफ से पर्यटक स्थल के रूप में उनका विकास किया जाता है, जहां स्मार्ट सुविधाओं से लेकर के हर प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल वहां करके हम उन स्थलों को विश्व स्तरीय बनाने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका यह है 2016 में नई पर्यटन नीति, तो क्वेश्चन दूसरा बनता है कि प्रथम पर्यटन नीति 1998 में, नई पर्यटन नीति वर्तमान में 2016 में। तो 2016 में जो पर्यटन नीति बनाई गई है, इस पर्यटन नीति में जो 1998 में 7 पर्यटन स्थलों को चुना गया था उसी तर्ज पे 2016 में जो प्रथम 2016 में जो नई पर्यटन नीति आई उसमें उन पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर के कुल 7 तरीके के पर्यटन परिपथ का निर्माण किया जाना है, 7 तरीके के पर्यटन परिपथ का चयन किया जाना है। प्रदेश में सर्वाधिक, याद रखिएगा प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले 3 शहरों लखनऊ, वाराणसी व आगरा को विकसित किया जा रहा है हेरिटेज आर्क के रूप में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। यहां देखिए कितने क्वेश्चन है, पहला, प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन से हैं, लखनऊ है पहला, वाराणसी और आगरा, 3 वो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर्यटकों की, विदेशी पर्यटकों की खासकर संख्या सर्वाधिक आती है। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो उनमें से अगर 3 का ऑप्शन रहता तो आप 3 को लगाएंगे, इन 3 में से कोई यानी कि लखनऊ, वाराणसी, आगरा में से कोई भी एक रहते हैं तो आप इनमें से किसी एक को लगाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले 3 शहरों को विकसित किया जा रहा है किस योजना के तहत, तो हेरिटेज आर्क योजना के तहत। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हेरिटेज आर्क में इनमें से किसको शामिल किया गया है, तो उनमें से शामिल किया गया है लखनऊ को, वाराणसी को और आगरा को। क्लियर है, अगले देखते हैं डाटा के हमारे पास। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो देखिए प्रथम स्थान है 2019 के डाटा के अनुसार। ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की संख्या, आकर्षित करने की जो क्षमता, आकर्षित करने का जो स्थान है वो देश में सर्वाधिक है, प्रथम स्थान पे है। घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम। ये दोनों डाटा 2019 के आधार पे हैं, आप बाकी डाटा को अपडेट कर सकते हैं, डाटा को आप अपडेट
कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके पास पर्यटन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपके साथ शेयर किया। इसमें से आपको बिल्कुल चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पर्यटन विकास की स्थापना कब हुई? तो पर्यटन विकास की स्थापना हमने किया 1994 में। राज्य में पर्यटन दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2016 से। कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। राज्य में प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई? 1998 में। प्रथम पर्यटन नीति में कुल कितने स्थलों को, पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए चुना गया? 7। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया। राज्य में नई पर्यटन नीति कब घोषित की गई? तो राज्य में नई पर्यटन नीति 2016 में घोषित की गई। और 2016 में घोषित की गई नई पर्यटन नीति में कुल कितने परिपथों का निर्माण किया जाना है पर्यटक स्थलों को विश्व स्तरीय बनाए जाने के लिए? तो कुल 7 परिपथों का निर्माण किया जाना है। प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो लखनऊ, वाराणसी और आगरा हैं। लखनऊ, वाराणसी और आगरा किस योजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं? तो हेरिटेज आर्क योजना के तहत। हेरिटेज आर्क के रूप में इनमें से किन स्थलों को चयनित किया गया है? तो हेरिटेज आर्क के रूप में लखनऊ, वाराणसी और आगरा का चयन किया गया है। घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों के माध्यम में, दोनों पर्यटकों को आकर्षित करने में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 2019 के डाटा के अनुसार दोनों का स्थान, दोनों में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्न स्थलों में से कौन सा यूनेस्को में अमूर्त धरोहर, याद रखिएगा अमूर्त धरोहर की बात हम आपसे कर रहे हैं, अमूर्त धरोहर। सिंपल से वे में अगर हम आपसे बात कहें कि मूर्त अमूर्त में क्या डिफरेंस है, तो मूर्त अमूर्त में वही डिफरेंस है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में है। सॉफ्टवेयर अमूर्त, हार्डवेयर मूर्त। क्लियर है? तो क्या कह रहे हैं, निम्न स्थलों में से कौन सा यूनेस्को में अमूर्त धरोहरों की सूची में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन आपका काशी, दूसरा ऑप्शन आपका कुंभ मेला, तीसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, चौथा ऑप्शन ए और बी। तो देखिए कुंभ मेला तो आपका किसमें है? कुंभ मेला आपको आएगा अमूर्त धरोहर में, दूसरा आपका काशी, तीसरा फतेहपुर सीकरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, आपका अमूर्त धरोहर में शामिल नहीं है। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक कौन सा है? ताजमहल एकदम एग्जाम्पल में याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक कौन सा है? ताजमहल। और भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला प्रदेश कौन सा है प्रथम स्थान पे? उत्तर प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक है ताजमहल। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची में शामिल होने का फायदा यह है कि उसको विदेशी स्तर पर कुछ संरक्षण प्रदान होते हैं, कुछ फंड प्रदान होते हैं उनका विकास करने के लिए, और वो संरक्षण की श्रेणी में भारतीय संरक्षण धरोहर अधिनियम के तहत भी शामिल हो जाते हैं। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूर्त विरासत कौन कौन से हैं? ताजमहल 1983 में शामिल किया गया, आगरा का किला 1983 में, और फतेहपुर सीकरी 1986 में। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल अमूर्त धरोहर कौन कौन से हैं? काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2016 में, व कुंभ को 2017 में। तो क्लियर रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हमने आपके साथ यहां शेयर किया। पहला, भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक कौन सा है? तो ताजमहल। दूसरा यह है कि यूनेस्को में दो तरीके के स्थल शामिल किए जाते हैं, एक अमूर्त और एक मूर्त। अमूर्त में हमने आपको दो नाम दिया, काशी को शामिल किया गया, और काशी को शामिल किया गया सिटी ऑफ म्यूजिक, सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में, और कब शामिल किया गया? 2016 में। दूसरा कुंभ मेला, कुंभ मेला इसको कब शामिल किया गया? 2017 में। और मूर्त में शामिल किए गए आपके इस समय डाटा में आपके कौन कौन सा है? ताजमहल जिसको कब शामिल किया गया? 1983 में। दूसरा आगरा का किला, आगरा का किला इसको कब शामिल किया गया? 1983 में। और तीसरा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर
सीकरी, इसको कब शामिल किया गया, इसको शामिल किया गया 1986 में। तो ध्यान रखिएगा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थलों को दो रूप में मूर्त अमूर्त में शामिल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में अमूर्त का मतलब हमने आपको बताया, जिसको आप देख ना सकें, जो महसूस कर सकें, सॉफ्टवेयर मूर्त का मतलब जिसको आप देख सकें, महसूस कर सकें, छू सकें, वो सिंपल वे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसके सांस्कृतिक पहलू, इसका डेफिनेशन अलग तरीके का, वो जो हम कभी क्लास में आएंगे डिस्कस करेंगे। तो अमूर्त का मतलब जिसको आप महसूस कर सकें, जिसको आप देख ना सकें। तो अब यहाँ देख ना सकें मतलब क्या है, काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक को आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक जो है वो आपका ताजमहल है, ठीक है ना। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के जो मूर्त धरोहर हैं वो आपके ताजमहल है, जो 1983 शामिल किया गया, आगरा का किला 1983 में, फतेहपुर सीकरी 1986 में। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल जो आपके अमूर्त हैं वो है काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में शामिल किया गया 2016 में, और कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा डेटा, आपको एग्जाम में मिलाने पूछ सकते हैं, काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक 2016 में और कुंभ को 2017 में, ताजमहल और आगरा किला 1983 में, फतेहपुर सीकरी आपको 1986 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रदेश में बौद्ध स्थलों का विकास करने हेतु चलाई जाए परियोजना कौन सी है? पहला ऑप्शन है मैत्रेय, दूसरा ऑप्शन है उपादान, तीसरा है पेइंग गेस्ट, चौथा है डिस्कवरी और रूटीन या डिस्कवरी योर रूट्स। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा मैत्रेय, मैत्रेय आपको नाम भी याद होगा। तो प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास से चलाई जाए योजना जो है वो है आपका मैत्रेय योजना, जो प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो प्रदेश में बौद्ध स्थलों के विकास से चलाई जा रही योजना है आपका मैत्रेय परियोजना। प्रदेश में पर्यटन संबंध पेइंग गेस्ट योजना चलाई जा रही है 1974 से। पेइंग गेस्ट योजना का मतलब यह है कि जैसे किसी भी पर्यटक स्थल है उसके आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ बने हुए मकान हैं उनको पेइंग गेस्ट योजना के तहत सरकार उनके कुछ कमरों को, एक क्राइटेरिया है उसके आधार पर अगर मकान बने हैं तो सरकार के द्वारा उनको एज ए पेइंग गेस्ट लिया जाता है, जिसके एवज में उनको रिबेट भी, जिनके एवज में उनको उसका लाभ भी दिया जाता है। तो प्रदेश में पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना चलाई जा रही है 1974 से। पर्यटन संबंधी बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना चलाई जा रही है सन 2008 से। आगरा ब्रज तथा बौद्ध परिपथों, आगरा ब्रज तथा बौद्ध परिपथों के विकास हेतु विश्व बैंक, याद रखिएगा, तथा राज्य सरकार के 70-30 रेशियो के अनुपात में पूंजी से चलाई जा रही योजना क्या है? पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मध्य मिलकर संचालित की जा रही योजना है, और इसमें रेशियो कितना है 70-30 का। तो इसमें जो पूंजी आएगी, इसमें पूंजी विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदान की जा रही है। और इसका क्या काम है? आगरा ब्रज तथा बौद्ध परिपथों का विकास करना। तो आगरा ब्रज और बौद्ध परिपथों के विकास करने को लेकर के विश्व बैंक और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में 70-30 के रेशियो में पूंजी के आवंटन, पूंजी के उपयोग का एग्रीमेंट हुआ है, और उसका नाम है टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो पर्यटन से संबंधित कुछ योजनाएं हैं जिसको हमने आपको डिस्कस किया, मैत्रेय परियोजना बौद्ध परिपथों के या बौद्ध स्थलों के विकास के लिए, पेइंग गेस्ट योजना 1974 से चलाई जा रही है, और बेड और ब्रेकफास्ट योजना 2008 से संचालित की जा रही है। टूरिज्म डेवलपमेंट सेंटर का भी स्थापना किया जाना है, जिसमें वर्ल्ड बैंक सहयोग कर रहा है, 70-30 रेशियो से पूंजी का आवंटन किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य है आगरा ब्रज और बौद्ध परिपथों का विकास करना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि, यहां थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो दो सूचियां आपको दी गई हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये दो सूची आपके पास है, पहले सूची में कुछ स्थल दिए गए हैं, दूसरे सूची में उनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं, और यहां पूछा जा रहा है कि इन सूचियों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है।
कि सूची वन में जो स्थान दिए गए हैं वो और सूची टू में जो उनके सामने स्थान दिए गए हैं वो, इन दोनों स्थानों में से कौन सी सूची का कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन यहां दिया गया है। दीवाने खास आगरा, पंचमहल आगरा, बड़ी मस्जिद जौनपुर, हिंदी भवन वाराणसी, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दीवाने खास आगरा में है, ये बिल्कुल क्लियर है, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता हमारा विकल्प। ऑप्शन बी पे आइए, पंचमहल भी आगरा में है तो ऑप्शन बी भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। बड़ी मस्जिद जौनपुर में है, बिल्कुल क्लियर है बड़ी मस्जिद, तो ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर आपका क्या है, डी हिंदी भवन। हिंदी भवन वाराणसी में नहीं बल्कि कहां पे है, जौनपुर में हिंदी भवन है, इसको याद रखिएगा। हमने देखिए यहाँ कुछ जो आपको दिए गए थे वहां से संबंधित कुछ स्थान दिए हैं, उस स्थान पे जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं उनके नाम हमने दिए हुए हैं और यहाँ से नाम एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। हम आपका एक रिवीजन कराते हैं। आगरा में ताजमहल कहाँ है, आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ है, आगरा में। एतमादउद्दौला का मकबरा कहाँ है, आगरा में। लाल किला आगरा में, सुनहला महल आगरा में, दीवाने खास आगरा में, मोती महल मस्जिद आगरा में, जहांगीर व अकबरी महल आगरा में, सियासंत नूरुल्लाह काजी मजार आगरा में, शहीद सालिस मजार आगरा में, सामूगढ़ आगरा में, बटेश्वर व कैलाश आगरा में, और पिछली क्लास में आपने पढ़ा भी होगा बटेश्वर मेला पशु मेला आगरा में और कैलाश महोत्सव सावन के तीसरे सोमवार के दिन आगरा में। तो आप ये देख सकते हैं इनमें से जो आपको याद रखने वाली चीजें हैं वो है ताजमहल, तो अंडरस्टूड आपको याद ही होगा, लोग कई लोग इसमें देख भी आए होंगे। दूसरा अकबर का मकबरा, एतमादउद्दौला का मकबरा, लाल किला, दीवाने खास, मोती मस्जिद और बटेश्वर और कैलाश, ये जो कुछ नाम है, ताजमहल, अकबर का मकबरा, एतमादउद्दौला का मकबरा, लाल किला, दीवाने खास, मोती मस्जिद और बटेश्वर व कैलाश, ये सारे के सारे कहाँ हैं, आगरा में है, इनको आपको याद रखना चाहिए और ये लिस्ट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फतेहपुर सीकरी आगरा में कहां, फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी चीजें हैं, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, मरियम महल, पंच महल और ये सब कहां पे हैं, फतेहपुर सीकरी आगरा में है। तो इनमें से जो आपको याद रखना है वो है आपके पास जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, मरियम का महल और पंच महल, ये आपको याद रखना है कहाँ है, आगरा फतेहपुर सीकरी में। हमने देखिए इसको मैं आगरा में ही डाल सकता था लेकिन मैंने फतेहपुर सीकरी इसलिए लिख दिया क्योंकि कई बार एग्जाम में फतेहपुर सीकरी में कौन से स्थित है ये पूछा गया है, तो आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगर ये आता है कि पंचमहल कहाँ है आपके सामने, आगरा, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर दिया रहता तो आगरा आप चूज करेंगे क्योंकि ओवरऑल कहाँ पे है, आगरा में ही है। लेकिन अगर शहरों का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे पंचमहल आगरा के आगरा में फतेहपुर सीकरी में है। तो याद रखिए ताजमहल, अकबर का मकबरा, एतमादउद्दौला का मकबरा, लाल किला, दीवाने खास, मोती मस्जिद और बटेश्वर का कैलाश आगरा में है, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, मरियम महल और पंचमहल, ये कहां पे है, आगरा फतेहपुर सीकरी में। जौनपुर में देखिए शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, अटाला मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, लाल दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, झाझरी मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, औरंगजेब का मकबरा या इसको औरंगजेब या बड़ी मस्जिद कहा जाता है याद रखिएगा, जामा मस्जिद, हिंदी भवन और शीतला चकैया धाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको याद रखिएगा, ये सारे के स्थल कहाँ पे हैं, जौनपुर में। तो जौनपुर में शाही किला आपको याद रखना है, अटाला का जौनपुर मस्जिद बहुत महत्वपूर्ण है याद रखना है जौनपुर में है, लाल दरवाजा कहाँ पे है जौनपुर में, झाझरी मस्जिद कहाँ पे याद रखना है आपको, इसी झाझरी मस्जिद को ही बड़ी मस्जिद भी कहा जाता है याद रखना है, झाझरी मस्जिद को ही बड़ी मस्जिद कहा जाता है और ये कहाँ पे है, जौनपुर में। हिंदी भवन कहाँ पे है, जौनपुर में, और शीतला चौकिया धाम कहाँ पे है, जौनपुर में। तो शीतला चौकिया धाम, हिंदी भवन, झाझरी महल और अटाला मस्जिद, ये चारों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे हैं,
जौनपुर में। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, इसके एक ऑप्शन को मैं कई बार आपको रिवाइज करा चुका हूं पिछले क्लासेस में। यहां दिया गया है कि छतरपुरवा मुबारक मंजिल, मोती महल, हुलास खेड़ा और नेशनल बॉटनिकल गार्डन, उपरोक्त सभी पर्यटक स्थल कहां पे हैं। तो अगर आप पिछली क्लास हमारी देखे होंगे तो दो नाम हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था, हुलास खेड़ा और नेशनल बॉटनिकल गार्डन। इनके बारे में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर की थी पहली या दूसरी क्लास में ही। और नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहां पे है, लखनऊ में है। अगर नेशनल बॉटनिकल गार्डन आपका लखनऊ में है तो बाकी सारे ऑप्शन लखनऊ में होंगे, क्योंकि सारे ऑप्शनों को एक साथ पूछा गया कहां पे हैं। तो चौथे का ऑप्शन में पता था तो इस आधार पर हमने कह दिया कि लखनऊ। छतर इवा मुबारक मस्जिद, मोती महल, हुलास खेड़ा और नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ये तीनों कहां पे हैं, चारों लखनऊ में। तो लखनऊ जिसको लक्ष्मणपुर भी पहले कहा जाता था, इससे संबंधित जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं उनका नाम हमने यहां दिया हुआ है, लिस्ट दी हुई है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको आप याद रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि सारे लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे नीचे वीडियो के लिंक में दे दिया जाएगा, जो भूमि आईएएस के नाम से है। देखिए लखनऊ में क्या क्या है, आसिफुद्दौला व शहनाज जफ इमाम बाड़ा, छतरपुर व मुबारक मंजिल, रूमी दरवाजा, आसपी व बड़ी जामा मस्जिद, दौलत खाना, रेजिडेंसी, मोती महल, बेगम हजरत महल पार्क, लाल बारदरी, रसुनदौला कोठी, सिकंदराबाग, हुलास खेड़ा, दादूपुर, बिजली पासी किला, संत सहमीना की मजार, खम्मन पीर मजार, काकोरी शहीद स्थल, नेशनल बॉटनिकल गोरंदे व प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर, चारबाग रेलवे स्टेशन, मनकामेश्वर मंदिर, महावीर व चंद्रिका देवी का मंदिर, ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जो आपके लखनऊ में हैं, लक्ष्मणपुर में हैं, जिनका पहले पुराना नाम लक्ष्मणपुर था, अब लखनऊ है। इनमें से जो स्थल आपको महत्वपूर्ण है, वैसे हमने आपको लिस्ट सारी दे दी है, लेकिन इनमें से जो आपको याद रखने ही रखने हैं, जहां से क्वेश्चन बना ही बना है, वो आपका है इमामबाड़ा, छतर व मुबारक मंजिल, रूमी दरवाजा, दौलत खाना, रेजिडेंसी, सिकंदराबाग, मोती महल, बेगम हजरत महल, लाल बारादरी, हुलास खेड़ा, दादोपुर, नेशनल बॉटनिकल प्राणी उद्यान और मनकामेश्वर मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर। इतने स्थल आपको याद रखने ही चाहिए, ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये सारी लिस्ट लखनऊ के जो प्रमुख स्थल हैं ऐतिहासिक, उनकी हमने लिस्ट आपके साथ शेयर किया, इसको आप देख करके याद कर लीजिए। उद्देश्य हमारा ये है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चनों का रिवाइज करा देना। अगला क्वेश्चन है, भारत माता मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत माता मंदिर पर्यटक स्थल कहां से संबंधित है, ऑप्शन आपके पास है लखनऊ, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है प्रयागराज, चौथा है कानपुर नगर। तो भारत माता मंदिर आपका वाराणसी क्षेत्र संबंधित है, वाराणसी में भारत माता मंदिर आपको मिलेगा पर्यटक स्थल के रूप में, जहां आपको जाकर के दर्शन करना चाहिए। और भारत माता मंदिर में विदेशी पर्यटकों की, वाराणसी आने वाले विदेशी पर्यटकों के जो एक पसंदीदा स्थल है, उनमें से भारत माता मंदिर एक प्रमुख स्थल है। तो वाराणसी से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल हैं जिसकी लिस्ट हमने आपको यहाँ जारी किया है, और हमने आपको कहा था कि हम एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि किसी भी क्वेश्चन में आप कहीं फंसे नहीं। तो हम अपने वादे के अनुसार आपके चीज सात चीजें कर रहे हैं। तो वाराणसी में जो प्रमुख स्थल है, अब देखिए हमने यहाँ एक फिर नाम चेंज किया सारनाथ, वैसे दोनों स्थल वाराणसी से रिलेटेड हैं, लेकिन कभी एग्जाम में आपको सारनाथ के नाम से भी पूछ लिया जाए, क्योंकि सारनाथ के नाम से ही कई चीजें पूछी जाती हैं, सारनाथ एक फेमस जगह है जहां इन सारी चीजें पाई जाती हैं, तो आप एग्जाम में फंसे ना। जब शहर के नाम से पूछ लिया जाएगा, जैसे एग्जाम्पल आपको धम्मेग स्तूप पूछ लिया जाए कहाँ पे है, वाराणसी, कुशीनगर, लुम्बिनी या लखनऊ, तो आप सिंपल से एग्जाम्पल आप वाराणसी लगा सकते हैं। लेकिन जब धम्मेग स्तूप पूछ लिया जाए वाराणसी के चार स्थलों, काशी, सारनाथ या ऐसे कुछ और नामों के साथ, तब आपका कंफ्यूजन ना हो, तब आप कहीं परेशान ना हो, इसलिए हमने ये नाम दे रखा है कि वाराणसी में होते हुए भी
सारनाथ की अपनी अलग प्रसिद्धि है, इसलिए सारनाथ के स्थलों को हमने अलग करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं हम वाराणसी के प्रमुख स्थलों को। 84 घाट बहुत फेमस है, आपको पता भी होगा, कई लोग इसमें से जा भी चुके होंगे। विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, काल भैरव मंदिर, भारत माता मंदिर, मार्कंडेय मंदिर, साक्षी विनायक मंदिर, पांच रत्न, ज्ञान बापी मस्जिद, आलमगीर मस्जिद, बेनी माधव का करहरा, रामनगर किला, राजघाट व सारनाथ, ये सारे स्थल कहाँ पे हैं? वाराणसी में। तो 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, काल भैरव मंदिर, भारत माता मंदिर, मार्कंडेय मंदिर, साक्षी विनायक मंदिर, पांच रत्न, ज्ञानवापी मस्जिद, मंदिर के साथ मस्जिद भी ध्यान है, ध्यान रखिएगा, आलमगीर मस्जिद, बेनी माधव का करहरा, रामनगर किला, राजघाट और सारनाथ, ही सारे स्थल कहाँ पे हैं? वाराणसी में है। दूसरा धम्मेग स्तूप, जिसका संबंध गुप्त काल से है, धम्मेग स्तूप, चौखंडी स्तूप जिसको संभवतः अशोक ने निर्मित कराया था, मूलगंध कुटी विहार, धर्मराजिका स्तूप, सदर्म चक्र विहार, जापानी, कोरियाई, थाई, वर्मी, चीनी, बौद्ध मंदिर, अशोक स्तंभ, बुद्धा थीम पार्क, मृगदाव पक्षी विहार, जैन मंदिर, सारंगनाथ मंदिर व देश में सबसे ऊंचे बुद्ध की 70 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पे है? सारनाथ वाराणसी में। तो आपको इस लिस्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजों को याद करना है वो ये है कि सारनाथ में देश का, विश्व नहीं, देश, याद रखिएगा, देश का सबसे ऊंचा बुद्ध की प्रतिमा कहां पे है? सारनाथ वाराणसी में। उसकी कितनी हाइट है? 70 फीट, ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो 70 फीट ऊंची प्रतिमा बुद्ध की है जो देश में सबसे ऊंची है, और कहां पे है? सारनाथ। और सारनाथ कहां में है? वाराणसी में। इसमें से जो महत्वपूर्ण है आपको याद करने वाली चीजें वो है धम्मेग स्तूप, जिसका संबंध गुप्त काल से है, एग्जाम में पूछा गया है, चौखंडी स्तूप जिसका संबंध संभवतः अशोक से है, जिसको अशोक ने निर्मित करवाया था, धर्मराजिका स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है जापानी, कोरियाई, थाई, वर्मी, चीनी, बौद्ध मंदिर। जापानी, कोरियाई, थाई, वर्मी, चीनी, बौद्ध मंदिर, ये कहां पे है आपका? सारनाथ में है। बुद्धा थीम पार्क, जिसको हमने दूसरी क्लास में डिस्कस किया था कि बुद्धा थीम पार्क कहां पे आपका? वाराणसी सारनाथ में है। जैन मंदिर कहां है आपका? सारनाथ वाराणसी में है। तो सारनाथ वाराणसी में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, बुद्धा थीम पार्क भी मिल जाएगा, बुद्धा थीम पार्क और सारनाथ में ही आपको जैन मंदिर भी मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैन मंदिर और बुद्धा थीम पार्क दोनों सारनाथ वाराणसी में हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची वन का, सूची टू से सही सुमेल करिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करिए। हमने आपसे कहा था जैसे ही सूची का सवाल आए एलिमिनेशन मेथड पे आइए। तो चलिए हम एलिमिनेशन मेथड पे चलते हैं। सूची वन में कुछ स्थल या संग्रहालय के नाम दिए गए हैं, सूची टू में पूछा गया है उनसे रिलेटेड स्थान के नाम दिए गए हैं, और ये सारे के सारे स्थान आप देख रहे होंगे मथुरा में हैं। तो हमने एक क्वेश्चन आपको इस रूप में भी बनाया है कि अगर मथुरा के जो प्रमुख स्थल हैं उन प्रमुख स्थलों से में जो स्थापित या जो पाए जाने वाले या जो संरक्षित धरोहर स्थल हैं उनकी लिस्ट भी हम आपके साथ साझा कर सकें मथुरा के प्रमुख स्थलों के हिसाब से, तो आपको क्वेश्चन करने में और आसानी होगी। इसी आधार पर हमने ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया है, बनाया है। तो यहाँ है जैन संग्रहालय, द्रविड़ शैली का शंखनाद मंदिर, मानगढ़ और चंद सरोवर, दूसरे तरफ के माधोपुरी, वरसाना, गोवर्धन और वृंदावन। तो देखिए जैन संग्रहालय, हमने आपको पिछली क्लास में याद करिए जब संग्रहालय संगठन की बात हमने की थी तो वहां हमने लिस्ट शेयर किया था आपके साथ, पहली या दूसरी क्लास थी आप देख लीजिएगा। तो जैन संग्रहालय आपका है माधोपुरी, और माधोपुरी कहाँ पड़ता है? मथुरा में। तो जैन संग्रहालय माधोपुरी में, माधोपुरी का मतलब ऑप्शन वन का ए। तो एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि वन का ए जहां पे होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा, जहां पे नहीं होगा ऑप्शन आपका गलत होगा। तो ए का वन
ऑप्शन ए में है तो इसकी संभावना है कि वो सही होगा, ऑप्शन ए 51 बी में यह भी संभावना सही होगा, ऑप्शन ए 51 सी में नहीं है तो यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन ए 51 डी ऑप्शन में भी है यानी कि डी भी आपका आंसर हो सकता है। अब हम चलिए दूसरा, ये मानगढ़, मानगढ़ देखिए, मानगढ़ का भी हमने डिस्कस किया था उस समय, मानगढ़ का डिस्कस किया था जब उसी लिस्ट में जहां आपको हमने जैन संग्रहालय की बात की थी, मथुरा के एक साथ सारे संग्रहालयों स्थलों का लिस्ट जारी किया था, तो मानगढ़ कहां है आपका, बरसाने में है, मानगढ़ बरसाने में, यानी कि सी का आपका ऑप्शन टू होगा, तो सी का ऑप्शन देखिए टू कहां कहां पे है, सी का ऑप्शन टू ए में है, नहीं तो ए आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, सी का ऑप्शन टू में है, बी में है, हाँ तो बी आपका आंसर हो सकता है, सी का ऑप्शन टू डी में है, नहीं तो इसका मतलब है इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है कि जैन संग्रहालय आपका माधोपुरी में है, द्रविड़ शैली का शंखनाद मंदिर आपका वृंदावन में है, मानगढ़ आपका बरसाने में है और चंद्र सरोवर आपका गोवर्धन में है। तो मथुरा के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, धरोहर स्थल हैं, विरासत स्थल हैं, उनका हमने लिस्ट आपको यहाँ जारी किया है और मथुरा में कहाँ कहाँ पे हैं वो लोकल लोकलिटी भी हमने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इन शहरों के नामों के आधार पे कि कैसे उसको अरेंज किया जाए। तो चलिए आइए देखते हैं मथुरा नगर या मधुपुरी जिसको कहते हैं, कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं, यह हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, विश्राम घाट व घाट पर यमुना मंदिर, भूतेश्वर महादेव, गीता मंदिर, जैन चौरासी स्थल पर जैन मंदिर, शिवताल, राजकीय संग्रहालय व जैन संग्रहालय, ये सब कहाँ पे हैं, मधुपुरी मथुरा नगरी में। वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर, राधा बल्लभ, गोविंद देव, लाल पत्थर, मानसिंह मंदिर, गोपनाथ, रंगनाथ मंदिर, द्रविड़ शैली का है रंगनाथ मंदिर, याद रखिएगा द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में पाई जाती है लेकिन उत्तर भारत में वृंदावन मथुरा में द्रविड़ शैली का मंदिर है वो है रंगनाथ मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। अष्ट सखी मंदिर, अंग्रेज मंदिर, देखिए याद रखिएगा अंग्रेज मंदिर, राधा रमण मंदिर, शाहजी मंदिर, प्रेम मंदिर कृपालू जी महाराज द्वारा, गोपेश्वर महादेव, निधिवन, सेवा कुंज, गिरी कुंज, बंसी घाट, कालीदह, केसी घाट, ब्रह्मकुंड, ये सारे स्थल वृंदावन मथुरा में हैं। तो वृंदावन मथुरा के जो प्रमुख स्थल हैं हमने आपको यहाँ दिया हुआ है, ये लिस्ट हमने आपके साथ शेयर किया, इसको हमने आपको पढ़ा, आप इसको याद रखिएगा। रंगनाथ मंदिर जो द्रविड़ शैली का, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, द्रविड़ शैली का मंदिर है रंगनाथ जो कहाँ पे है, वृंदावन मथुरा, और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण की शैली है। उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली कौन सी है, नागर शैली, और द्रविड़ और नागर के बीच की जो शैली है वो आपकी है बेसर शैली, जब आप कभी क्लास में आएंगे एंशिएंट इंडिया में तो वहां डिस्कस करेंगे। अब आइए बरसाना मथुरा में कौन सी है, लाडली, राधा मंदिर, जयपुर मंदिर, मान मंदिर, दानगढ़, मानगढ़ याद रखिएगा, अभी हमने पूछा मानगढ़ भी है दानगढ़ भी है, दोनों मंदिर कहां है बरसाना मथुरा में, बिलासगढ़, गहवर वन, संकेत वन, पीला पोखर, रंगीली महल, कृपालू जी महाराज द्वारा, राधा अष्टमी व लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है कौन सा क्षेत्र, बरसाना मथुरा। अभी इसके पहले हमने बात भी किया था हुरंगा होली भी कहां, होलिकोत्सव कहां होता है आपका मथुरा में बरसाने क्षेत्र में, और बरसाने क्षेत्र में लठमार होली भी आपकी खेली जाती है। फिर गोवर्धन, गोवर्धन वो क्षेत्र है जहां भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ था अपनी एक उंगली पे, मथुरा में पड़ता है। यहां कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, ब्रह्म कुंड, कुसुम सरोवर, चंद्र सरोवर, गोवर्धन नाथ मंदिर, दान घाटी, हरदेव मंदिर, चक्रेश्वर महादेव मंदिर और जातिपुरा, ये आपका गोवर्धन मथुरा में पड़ता है, और इनमें से जो एक महत्वपूर्ण कई बार पूछा गया वो चक्रेश्वर महादेव मंदिर, चक्रेश्वर महादेव मंदिर, ये याद रखिएगा कि चक्रेश्वर महादेव मंदिर आपका कहाँ है, गोवर्धन मथुरा में। पहाड़ी पर नंद जी का गांव, नंद जी का घर व पावन सरोवर कहाँ है, नंदगांव मथुरा से, तो नंद जी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी, नंदगांव मथुरा में। इसी तरह मथुरा से रिलेटेड कुछ और स्थल हैं जो आपको हमने शेयर किया है, गोकुल जो मथुरा में ही पड़ता है, गोकुलनाथ का मंदिर, ताऊ मंदिर, दाऊ मंदिर याद रखिएगा, ये एग्जाम पूछा गया है, दाऊ मंदिर,
ठकुरानी घाट, यशोदा घाट, ये सब कहाँ है? गोकुल मथुरा में। कोकिलावन मथुरा, कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड, शनि मंदिर, ये याद रखिएगा। शनि मंदिर कहाँ है? मथुरा में। मथुरा में कहाँ? कोकिलावन। राधा जी का जन्मस्थल कहाँ है? जहां राधा मंदिर है, रावल मथुरा में। एग्जाम में पूछा गया है कि राधा जी का जन्मस्थल या राधा मंदिर कहां पे है? रावल मथुरा में। 84 खंभा मंदिर, योग माया मंदिर, ब्रह्म मांड घाट, इनमें से ये दो आपके एग्जाम पूछे गए हैं। 84 खंभा मंदिर और योग माया मंदिर कहां है? महावन मथुरा में। तो ये जो 84 खंभा मंदिर है और योग माया मंदिर, याद रखिएगा, आपके महावन मथुरा में है। बलदेव ताऊ जी का मंदिर और क्षीर सागर, ये आप एग्जाम में कई बार सुने भी होंगे, कृष्णा देखे होंगे तो बोला था क्षीर सागर से निकले हैं। क्षीर सागर कहाँ पे है? बलदेव मथुरा में। तो मथुरा से रिलेटेड जितने भी स्थल हमने आपको शेयर किया वो आप याद रखिएगा, जिसको हमने इंपॉर्टेंट बताया उसको बिल्कुल याद रखिएगा। लिस्ट आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्षीर सागर आपका बलदेव मथुरा में है, सारे स्थल मथुरा में है। मथुरा में कहाँ वो भी हमने आपके साथ लिस्ट शेयर कर दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल चित्रकूट से संबंधित है? कौन से पर्यटक स्थल हैं जो जिनका संबंध चित्रकूट से है? ऑप्शन आपका है हनुमान धारा, मंदाकिनी, तुलसीदास की जन्मस्थली और सूतागद्दी। तो इसमें देखिए, सूतागद्दी आपका चित्रकूट में नहीं है, सूतागद्दी चित्रकूट में नहीं है, यानी कि ऑप्शन 4 एलिमिनेशन मेथड आप लगाइए, ऑप्शन 4 आपका आंसर नहीं होगा। तो बी आपका आंसर नहीं हो सकता, डी आपका आंसर नहीं हो सकता, और आपके पास दो ही ऑप्शन बचे, 1-3, 1-3, यानी कि इन दोनों जगहों पे 1-3 है, तो 1-3 दोनों सही है। और तुलसी मंदाकिनी आपने देखा होगा वो कहाँ पे है? चित्रकूट में है। मंदाकिनी चित्रकूट में है, यानी कि 1-2-3 तीनों सही है। तीनों सही का मतलब यह है कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए देखते हैं, चित्रकूट से संबंधित जो प्रमुख स्थल है वो हम आपको बता रहे हैं, राघव प्रयाग, रामघाट, सीतापुर, कामतनाथ मंदिर, कामतगिरी पर्वत, ये याद रखिएगा। कामतगिरी पर्वत ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हमारा उद्देश्य हम बता रहे हैं आपको कि क्वेश्चन कराने का नहीं, हमारा उद्देश्य है क्वेश्चन के माध्यम से उस सेगमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को आपके साथ क्लियर करना, वही लिस्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उन लिस्टों के महत्वपूर्ण स्थल हम आपको शेयर कर दे रहे हैं, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल याद रखिएगा। कामतगिरी पर्वत, मंदाकिनी या जिसको पयस्विनी भी बोलते हैं, मंदाकिनी जिसको क्या बोलते हैं? पयस्विनी चित्रकूट में है। वाल्मीकि आश्रम, हनुमान धारा बिल्कुल याद रखिएगा, हनुमान धारा, भरतकूप, दिव्यांग विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, लोहिया रामायण मेला स्थल, सबरी प्रताप, रानीपुर, वन्यजीव विहार, चित्रकूट के उत्तर प्रदेश भाग में, जबकि जानकी कुंड, फटिक शिला, अत्री अनसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी, मंडराचल पर्वत, लक्ष्मण पहाड़ी आदि स्थल चित्रकूट के मध्य प्रदेश वाले भाग में है। क्लियर है? तो चित्रकूट में कौन कौन सा है आप देखिए, हमने बताया इसमें से जो आपको याद रखने वाली चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं? कामतनाथ मंदिर, कामतगिरी पर्वत, मंदाकिनी पर्वत, हनुमान धारा, हनुमान धारा, दिव्यांग विश्वविद्यालय और मंडराचल पर्वत, ये नाम आपको याद रखने ही चाहिए। ये कहां पे हैं सब आपके? ये हैं आपके चित्रकूट में। तुलसीदास की जन्मस्थली या तुलसी स्मारक भी कहां है? चित्रकूट में। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले चित्रकूट में कहां, तो आप याद रखिए, इसलिए हमने आपको दिया है राजाजीपुर। राजाजीपुर चित्रकूट में है और इसी चित्रकूट के राजाजीपुर में तुलसी स्मारक है और जहां तुलसी की जन्मस्थली भी मानी जाती है। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजकीय बौद्ध संग्रहालय, राजकीय बौद्ध संग्रहालय आप देख रहे होंगे, अगर आपने शुरू से क्लास की होगी तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का रिपीटेशन हो रहा है और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपका रिवाइज भी करवा रहे हैं। राजकीय बौद्ध संग्रहालय की बात हमने की थी क्लास दूसरी क्लास में, दूसरी या तीसरी क्लास में, जहां कुशीनगर से संबंधित सारा लिस्ट हमने जारी किया था और हमने आपको वहां ये टिक भी करवाया था कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बौद्ध से रिलेटेड जितनी भी मैक्सिमम चीजें हैं वो आपको वाराणसी में देखने को मिलती हैं, तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, डायलेमा में डाल सकते हैं, इसलिए आप डायलेमा में ना आए, इसलिए हमने वहां वाराणसी और कुशीनगर दोनों के बौद्ध स्थलों में क्या डिफरेंस है वहां डिस्कस किया हुआ था।
तो उस लेक्चर को आप जरूर देखिए, दूसरा तीसरा लेक्चर होगा हमारा, और वहां से भी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय आपका कुशीनगर में है, ये बिल्कुल क्लियर है, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजकीय बौद्ध संग्रहालय आपका कहां है, कुशीनगर में। तो कुशीनगर से संबंधित जो प्रमुख विरासत स्थल है उनके लिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, महानिर्वाण मंदिर, और ऐसे ही लिस्ट हमने सांस्कृतिक स्थलों के रूप में भी वहां दूसरी या तीसरी क्लास में जारी की थी, जहां आप देख सकते हैं। तो अगर आप शुरुआत से क्लास करते आ रहे हैं तो आप जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे काफी चीजें आपकी रिवीजन होंगी, रिपीट होंगी, और इसके माध्यम से आपके रिवाइज हम कई बार करा देंगे और आपके क्वेश्चनों को गलत होने की संख्या या एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगी। तो महानिर्वाण मंदिर याद रखिएगा, पांचवीं शताब्दी का है महानिर्वाण मंदिर, ये बिल्कुल याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की शयन मुद्रा में 21.6 फीट लंबी प्रतिमा, ये याद रखिएगा कि बुद्ध की शयन मुद्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तीसरा, 10 फीट ऊंची बुद्ध की मध्यकालीन माथा कुंवर प्रतिमा, रामभर स्तूप, मुकुटबंधन चैत, थाई, श्रीलंकाई, जापानी, चीनी, वर्मी, बिल्कुल याद रखिएगा। आदि मंदिर, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, बिड़ला बुद्ध मंदिर और राम जानकी मंदिर, शिव मंदिर, ये सारे स्थल कहाँ पे हैं, कुशीनगर में हैं। इन सारे स्थलों से रिलेटेड एक लिस्ट कुशीनगर से संबंधित हमने दूसरी या तीसरी क्लास में भी जारी किया था, मैं बार बार आपको रिवाइज कराता हूँ, आप क्लास जरूर देखिए पिछली, आपको आगे क्लासें कंटिन्यू समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी और काफी रिविजन भी होगा। तो कुशीनगर में जो आपको इन स्थलों में याद रखना है, महानिर्वाण मंदिर जिनका संबंध पांचवीं शताब्दी से, ये आपको याद रखना है। बुद्ध की शयन मुद्रा कहाँ पे है, कुशीनगर में, आपको याद रखना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है थाई, श्रीलंकाई, जापानी, चीनी, वर्मी मंदिर, ये कहाँ पे है, कुशीनगर में, याद आपको रखना है। राजकीय संग्रहालय और बिड़ला बुद्ध मंदिर, ये कहाँ पे है, कुशीनगर में, ये भी आपको याद रखना है। तो आप इतनी चीजों को याद रखिए, लिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से। आज के हम अपने अंतिम सवाल पर चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा आपके लिए लेंदी बनाया है, लेकिन इस क्वेश्चन को लेंदी बनाने का माध्यम ये है कि इसके माध्यम से हम आपको अच्छे क्वेश्चन सिखा सकें। पहला ऑप्शन है इंद्र ब्रह्मा के साथ भगवान बुद्ध, तो क्लियर हो गया कि इसमें तीन लोगों की बात कर रहे हैं, इंद्र, ब्रह्मा और बुद्ध, यहां पर कहां, यहां पर मतलब धरती पर पधारे। दूसरा है कि बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रथम प्रवेश, बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रथम प्रवेश महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर इसी स्थान पर दिया था, इसी स्थल पर हुआ था। ऋषि द्रोणाचार्य की जन्मस्थली भी यहीं पर मानी जाती है। तो क्वेश्चन आपका यह है कि ये जो तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन तीन स्टेटमेंट का संबंध इन चारों में से किस एक स्थल से है, किस एक स्थान से है। तो पहला यह है कि अगर हमको सिंपल और कहें तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि इंद्र, ब्रह्मा और बुद्ध तीनों कहां का जो साक्ष्य वो कहां पे पाया गया है। दूसरा यह है कि भगवान बुद्ध ने आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया था और उनका प्रवेश किस स्थान पर पहली बार दिया गया था। तीसरा यह है कि ऋषि द्रोणाचार्य की जन्मस्थली कहां पे है। तो इन तीनों क्वेश्चनों के लिए आपके पास ऑप्शन है वाराणसी, कुशीनगर, मेरठ और फरुखाबाद। तो आप अगर देखेंगे, आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ा होगा और एंशिएंट इंडिया अगर पढ़े होंगे, बौद्ध काल आपने पढ़ा होगा, तो बौद्ध काल में आपने देखा होगा तो कि फरुखाबाद वो जगह है जहां पर भगवान बुद्ध ने आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था कुछ हिदायत के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी का मतलब हो गया कि इंद्र, ब्रह्मा और भगवान बुद्ध के साथ धरती पर पधारे वह स्थान है फरुखाबाद, बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश कहां पे दिया गया पहली बार, फरुखाबाद, और ऋषि द्रोणाचार्य की जन्मस्थली भी कहां पे है, फरुखाबाद में। तो फरुखाबाद से संबंधित कुछ स्थल हैं वो हमने आपको यहां लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं। और हमने यहां फिर वही काम किया है कि फरुखाबाद में तो हैं, लेकिन अगर फरुखाबाद में स्थित शहरों के नाम पे पूछ लिया जाए, उनका अरेंजमेंट पूछ लिया जाए, तो आप भी वहां कंफ्यूज ना हो और वहां आपका क्वेश्चन गलत ना हो कि यार हमने तो फरुखाबाद याद रखा था लेकिन फरुखाबाद में कहां ये नहीं पता है। क्योंकि तो कई बार क्वेश्चन ऐसे हुए हैं कि प्रमुख स्थलों स्थल एक्चुअल में लोकलिटी उनकी कहां है, उस लोकल स्थल को ही पूछ लिया गया है। तो मैंने यहां देखिए फरुखाबाद, तो चारों स्थल फरुखाबाद में ही है। यहां जितने भी स्थलों के नाम हमने आपको दिया हो सब फरुखाबाद में ही है, लेकिन हम आपको आसान बनाने के लिए यहां कर दिए हैं कि वो फरुखाबाद में कहां पे हैं। तो देखिए
कंपिल, संसिका, श्रृंगी रामपुर और नीमकेरी, ये चार प्रमुख स्थल हैं जो कहाँ पे हैं, फर्रुखाबाद में। और इन्हीं चार प्रमुख स्थलों पे, इन्हीं चार प्रमुख स्थलों के अंदर कौन कौन से विरासत स्थल है, क्यों क्यों उनकी प्रसिद्धि है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि अगर ये चार एग्जाम नाम आपको एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि संसिका, कंपिल, श्रृंगी रामपुर और नीम करोरी, इन चारों का संबंध कहाँ से है, फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद के चारों फेमस सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत स्थल हैं और इनकी प्रसिद्धि क्या, वो हम आपके साथ लिस्ट जारी कर रहे हैं। तो कांपिल कहाँ है, फर्रुखाबाद में, श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद में, संस्का फर्रुखाबाद में और नीम करोरी फर्रुखाबाद में। तो कांपिल क्यों प्रसिद्ध है, कांपिल में ऐसी क्या चीजें हैं, वो हम देख लेते हैं। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ, द्रौपदी व द्रोणाचार्य के जन्मस्थली, कपिल मुनि आश्रम, भेद कुंड, मुगल घाट, श्वेतांबर व दिगंबर मंदिर, रामेश्वर धाम मंदिर, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है, स्थल हैं जिनके आधार पर कांपिल को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इनमें से याद आपको सभी रखने हैं क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं। 13वें, अब देखिए, हाँ आपको एक क्वेश्चन और मिल गया कि 13वें तीर्थंकर कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए तो उनका नाम क्या है, विमलनाथ। तो 13वें तीर्थंकर विमलनाथ, द्रौपदी और द्रोणाचार्य, इन सबकी जन्मस्थली कहाँ है, कांपिल। कांपिल कहां पड़ता है, फर्रुखाबाद। तो याद रखिएगा, द्रौपदी, द्रोणाचार्य और 13वें तीर्थंकर विमलनाथ की जन्मस्थली कहां है, कांपिल, फर्रुखाबाद में। मुगल घाट कहां पे है, फर्रुखाबाद में। श्वेतंबर दिगंबर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेतंबर दिगंबर का मतलब यह है कि जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतंबर, नग्न रहने वाले दिगंबर, ये बिल्कुल याद रखिएगा। श्वेतंबर और दिगंबर ये कहां पे है, कांपिल फर्रुखाबाद में इनका मंदिर है। श्रृंगी रामपुर क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ श्रृंगी ऋषि का मंदिर है, इन्हीं के नाम पर श्रृंगी रामपुर नाम भी पड़ा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। संसिका में क्या है, इंद्र ब्रह्मा के साथ भगवान बुद्ध यहाँ पर यानी कि धरती पर पधारे, बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रथम प्रवेश इसी स्थल पर हुआ। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश और इंद्र ब्रह्मा और भगवान बुद्ध तीनों का जो अवतरण धरती में माना जाता है वो फर्रुखाबाद के संस्कार से माना जाता है, ये क्लियर रहिएगा। तो आप देखिए फर्रुखाबाद की सारी लिस्ट भी हमने आपको दे दिया और इस लिस्ट में जो चार फेमस नाम है, कंपिल, संस्का, श्रृंगी रामपुर और नीम करोरी, ये भी हमने आपके साथ शेयर किया। और ये क्यों फेमस हैं, इनकी क्या प्रसिद्धि है, इनके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं, वो भी हमने आपके साथ शेयर किया और हमने ये भी आपको बता दिया कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो आज का हमारा पहला सेगमेंट खत्म हुआ, चैप्टर 4 जिसका शीर्षक है प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल, उसका सेगमेंट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। इस सेगमेंट 1 के हिसाब से हमने आपको कुछ चीज़ें शेयर की, कुछ डाटा शेयर किया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस सारे डाटाज को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में इसके पार्ट 2 के साथ, और वहाँ पार्ट 2 में भी हम इन स्थलों के एक विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत लिस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि पिछली वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप पिछली वीडियो को देखते हुए आएंगे, वहाँ से मटेरियल डाउनलोड करके अपने आप को पढ़ते हुए आएंगे, तो आगे जितनी भी क्लास हम आपको करेंगे वो आपको अच्छे से कनेक्ट करेगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपका एक तरीके से रिविजन होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो दायरा है ज्ञान का वो बढ़ेगा, रिवीजन करने का दायरा बढ़ जाएगा और आपके समझ में आने लगेंगी चीजें और आपके क्वेश्चन आपके दायरे में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।